नमस्कार जय जगन्नाथ मुलिपी आपन समस्तनको स्वागत करछि पुष्पन बासस किचन। गरम गरम अरुआ भात सहित तो डालमा बहुत बढ़िया लगी था। हेले कार्तिक मास रे गरम गरम अरुआ भात सहित हबिष डालमार स्वाद अति बढ़िया। एमती तो जितेबले चाहिले आमे हबिष डालमा डालमार रिप्लेसमेंट बनई पारिबा। हेले कार्तिक मास रे हबिष डालमार बासना एवं स्वाद ताहा एक अलग प्रकार रो। तो एटा एते स्वादिष्ट होइथाय जे आपण याकु थरे बनेले बारंबार बनाय पई चाहिबे। तेबे मु आज आपण मानन पई नै आसीछि कार्तिक मास रे हबिष डालमा से ताहा पुणी मोस्ट आइले। तेबे आज रेसीपी टी मो जेजेमा को डेडिकेट करूछी कारण विवाह परे मु ताकु मने पकई ए डालमा डी फर्स्ट टाइम बनेथली एवं एहा एते बढ़िया हेतला ओ प्रतिवर्ष एहा को बनाए। सारु पाखापाखि 15 पुआ मुठि नेइछि एवं एहाकु भलसे चोपा छोड़े मझीरु दुई खंड लेखा करके रखिछि एवं गोटे कंदमूल मुठि नेइछि एहाकु मध्य चोपा छोड़े कि टिके बड़ साइज रो काटिकी रखिछि एवं दुईटी बड़ साइज रो मूला को मध्य काटिकी रखिछि एवं 4-5 कदळी मुठि नेइछि एवं 15 सिंब दुई पट साइड रो काटिकी एवं तार मझीरु टिके चीरा लगे कि देखिकी भलसे नेइछि। भजा मुग 250 ग्राम नहीं अदा छिचा 1.5 बड़ चामच नहीं 8-10 खंड भलसे काटिकी रखी सहित अधा फल नड़िया कोरा गोटे चमच फ्रेश भजा जीरार गुंड गोटे चमच गोलमरीच गुंड 2 बड़ चामच जीरा मुठी नहीं प्रथम गोटे पात्र बसैली एवं एहा गरम हो गला परे सारु को भल भाव दोई रखी एहा को टिके भाजी नेली ता द्वारा सारुर लाल अंश एहा टिके कम हो जाय थे। बिना भाजी के मध्यम बनै परिबे हेले एमेदी भाजिले टिके डालमा आउ एते लाळुआ लागेने। तो सारु को पखा पके 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम रे मु भाजी नेली। एबे देखुतिबे सारुटी टिके ड्राई हो गलाणी एमेदी भाजी नेले डालमाटी अति बढ़िया होय थे। एवं देखंतु गोटे बड़ स्टील रे पात्र रे मु अधारु अधिक टिके पानी गरम करके रखी हबिष डालमा पई हमर पानी गरम हेबा दरकार। तो मु एठी सारु एवं मूला एवं कंदमूल ए तीनोटी जिंस देके ताकु फुटिबा पई देली। गोटे फुटा आसिला परे मु एठी मुग डाली को धोई के रखी दे देली। मु एठी भजा मुग डाली रो व्यवहार करछि जस्ट अल्प 2-3 मिनट भाजी नै छी। आपण चाहिले कंचा मुग डाली मध्य यूज करि परंदे एवं लुण 3 बड़ चम्मच मुठि यूज करछि। डालमाटी हमर फुटी आसिले एहा ऊपर एमती फेण फेण होई मैला लागिथाय तो एहाकु आमे डंकी सहाय्य रे बाहर करनबा। जेहेतु सारु एवं मूला कंदमूल ए सब देछि एगुडाक टिके फेण फेण बाहर थाए एवं ए पखापखि 15 मिनट फुटिला परे मुठि कदळी दे देछि कारण कदळी सिजिबा पई बेसी समय लागेनि। तापर पखापाखि 75% कुक हो गला मुठि सिंब नड़िया एवं अदा दे देछि। अदार भिडियोटी मुठि स्किप कर देछि। ए सबो को देकी आमे भलसे मिक्स करिबा। जेहेतु आमे हबिष डालमा प्रस्तुत करूछे एठी आमे हलदी बिल्कुल यूज करिबानी एमेदि ही बिना हलदी रे बनेबा एवं एहा मध्ये बहुत स्वादिष्ट होइथाय। देखिबाकु एत्ते भल देखा जायनी हेले खाइबा पे बहुत स्वादिष्ट होइथाय। डालमाटी पाखापाखी 85% पूरा हेइगलाणी। तो मु एठी 5-7 मिनट आगरु ओ को धोईकी छेचिकी रखिथिली एहाकु देइ देली। ओ आपण अधारे भी देइपारंती हेले डालमाटी अधिक टिके खट्टा लागिथाय। जदि आपणकु खट्टालिया भल लागे ताहाले आपण अधारे मध्ये ओ देइपारिबे। तो मु एठी जस्ट 5 मिनट पूर्वरु ओ को दे देली एवं देखंतु 5 मिनट परे आमर डालमा पूरा रेडी हो गलाणी। मुग परिबा सब बहुत बढ़िया से सिझी गलाणी। तो एठी आमे डालमा पई पुडे छुंको करिबा सेथि लागि मु 2 बड़ चम्मच देसी घी दे देली एवं ता सहित 2 बड़ चम्मच जीरा दे देली। एमिति तो हबिष डालमा रे छुंको होइ न थे किंतु जेहेतु आमे घरे प्रस्तुत करि फैमिली रे खाउचे तो मुठि घी एवं जीरार छुंक को देदेली। ट्रेडिशनली हबिष डालमारे हबिषियाली माने छुंक दे न थंती सेमिति ही साधारे घी दे परिबे किंतु छुंक देले एहा भल लागे। छुंक ता सहित भजा जीरार गुंड ता सहित गोलमरीच गुंड ए सब को मु देदेली एवं एबे मु घोड़नी घोड़े के डालमा को
5 रु 10 मिनिट एमती घोड़े की छाड़ी देबी ता द्वारा छुंक एवं मसला सब बहुत भल से डालमाटा ऑब्जर्व कर नबो एवं बहुत स्वादिष्ट लागिबो। तो तापरे मु यहा को एमती गोळे नेली डंकी सहाय्य रे। देखंतु डालमाटी टिके बहळा लागुची त मु एठी 1.5 ग्लास 1.5 ग्लास पानी को फल की गरम करके सेथिरे अल्प टिके लुण देके एथिरे ऐड करिनेली। ता द्वारा डालमाटी आउ टिके पतला है जीवो कारण डालमाटी रहिले सारो जो कंदमूल ए सब डालमा को आउ टिके बहळा करथे सेथि लागि मु एठी पानी ऐड करछि। किछ समय रहिला परे से पूर्णी एडजस्ट हो जीवो। तो एबे आसिला डालमार सर्विंग टाइम। देखंतु मु पानी देला परे मध्यम एत्ते बढ़िया हेछि जेतिकि बहळा रहिबा कथा रहिछि एवं जेमिति परिबा एवं मुग डाली जेमिति सिझिबा कथा बहुत भल से सिझिछि। बिना हळदी रे हेले मध्यम एहा खाइबा पे बहुत बढ़िया होइथाय। डालमार उपरे मु अल्प किछि भजा जीरार गुंड एवं अल्प किछि गोलमरीच गुंड ता सहित किछि नडिया कोडा दे डेकोरेट करिछि। जस्ट डेकोरेशन पई हि मु यूज करिछि। एबे बहुत कम समय भितरे पाखापाखि अध घंटे 35 मिनट भितरे आमर रेडी होगला हबिष डालमा गरम गरम अरुआ भात सहित। ये हबिष डालमा हो गले आउ किछि दरकार होइ न थाए। पाखरे बस लेंबू कि कमला टिके एवं कार्तिक मासरे तो एहाकु थरे दुई थर निश्चय बनेबा कथा। देखंतु केत्ते बढ़िया हेछि हबिष डालमा हेले देखिले नुए आपण एहाकु थरे निश्चय बनेले हि जानिबे जे एहा केत्ते बढ़िया लागि थाए। ट्रेडिशनली हबिष डालमा केवल सारू कदळी ओ मुगर प्रस्तुत होइ थाए। जेहेतु मु एहा फैमिली पई बनाउछि त मु एठी देसी आलू कंदमूल ओ सिम्बर व्यवहार करछि। आजिर रेसीपीटी जदि भल लागिला तेबे मो चैनल को लाइक करंतु फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को सहित शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ।